लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही मुश्किल में था, लेकिन अब बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई का मुश्किल पुनः बढ़ चुका है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई के मुश्किल का वजह क्या है, और दूसरे तरफ बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी जो कि आज के समय में काफी गुस्से में है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई के मुश्किल का वजह क्या है और उनके पिताजी के गुस्सा का वजह क्या है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री महाकाल। दोस्तों आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई को 13 जून 2022 ईस्वी को पंजाब पुलिस अपने हिरासत में ले ली थी। कुछ समय पहले लॉरेंस बिश्नोई जो कि दिल्ली के तिहार जेल में बंद था, और जेल में बंद रहने के बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई जो कि कई तरह का कत्लकांड कर रहा था, और आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई जो कि पंजाब पुलिस के पास है। हालांकि कुछ समय पहले ये खबर आ रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई का जिंदगी बहुत मस्त चल रहा है, लेकिन अब बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई जो कि काफ़ी परेशान है। क्योंकि कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो में आप सबको बताया था, लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन बिश्नोई जिसे कि अजरबैजान से गिरफ्तार कर लिया जा चुका था। क्योंकि आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई जो कि अपने गैंग के लोगों के लिए हर तरह का व्यवस्था करवाता है, और उसी तरह से बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई अपने भांजा सचिन बिश्नोई को बचाने के लिए भारत से विदेश भगा दिया था। हालांकि कुछ समय पहले ये भी बताया जा रहा था लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन बिश्नोई और उसका भाई अनमोल बिश्नोई जो कि भारत में ही था, लेकिन भारत से सबसे पहले वो लोग नेपाल भागा, और बाद में बताया जाता है वो लोग दुबई चला गया। और जब दोनों को क्राइम ब्रांच की टीम ढूंढना शुरू कर दी तो बताया जाता है एक अजरबैजान भाग गया और दूसरा किनिया भाग गया। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन बिश्नोई जिसे कि अजरबैजान से पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया, और आज के समय में एक बहुत बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई जो कि ऑलरेडी अब गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें, अनमोल बिश्नोई और सचिन बिश्नोई जो कि बाहर में रह रहा था और वहां से लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन कर रहा था, यानी कि यदि लॉरेंस बिश्नोई को हथियारों की आवश्यकता होती थी या फिर यदि लॉरेंस बिश्नोई को रुपयों की आवश्यकता होती थी तो बताया जाता है वो लोग विदेश से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का समर्थन कर रहा था। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त गोल्डी बराड़ जो कि आज के समय में कनाडा में रहता है, और बताया जाता है गोल्डी बराड़ जो कि कनाडा में रह करके लॉरेंस बिश्नोई का काफ़ी समर्थन करता है, और यदि लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी तरह का खतरनाक हथियार का आवश्यकता होता है तो वहाँ से गोल्डी बराड़ हथियार का सप्लाई करवाता है, या फिर जो कुछ भी चीज़ का आवश्यकता होता है तो गोल्डी बराड़ उसका काफ़ी मदद करता है। आपको बता दें, हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई को बम्बिहा गैंग के माध्यम से धमकी भी मिला था, जिस धमकी के कारण बताया जाता है उसका दोस्त गोल्डी बराड़ जो कि काफ़ी गुस्से में आ गया था, और लॉरेंस बिश्नोई के धमकी का बदला लेने के लिए बताया जाता है उसने बम्बिहा गैंग के एक शूटर को विदेश में ही टपका दिया। बता दें, बम्बिहा गैंग का गैंगस्टर बताया जाता है जिसका नाम मनदीप सिंह था, वो फिलीपींस में रह रहा था, और बताया जाता है फिलीपींस में गोल्डी बराड़ ने उसे टपका दिया। यानी कि आप ये सोच सकते हो कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में काम करने वाले जितने भी लोग हैं या फिर लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी दोस्त हैं वो लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ कभी भी समझौता नहीं करते। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास यदि किसी भी तरह का कोई मुसीबत आता है तो उनके दोस्तों के द्वारा उन मुसीबतों को ख़त्म ही कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई आज के समय में काफ़ी मुश्किल में है, क्योंकि बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई जिसने अपने भांजे सचिन बिश्नोई और अपने भाई अनमोल बिश्नोई को बचाने के लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाया और उसके बाद दोनों को विदेश भगा दिया, लेकिन अब क्राइम ब्रांच की टीम ने उन लोगों को विदेश से भी अरेस्ट कर लिया और अब उन लोगों को भारत लाने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी जो कि गुस्से में क्यों हैं। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि पिछले 2.5 महीने से पंजाब पुलिस के गिरफ्त में है, और बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई को अलग अलग केसों में घसीटा जा रहा है। आज के समय में उनके पिताजी का कहना है कि मेरे बेटे को टॉर्चर करा जा रहा है और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो भारत का रहने वाला कोई नागरिक हो। लॉरेंस बिश्नोई को परेशान किया जा रहा है और पंजाब पुलिस का मंशा क्या है उनके पिताजी को भी पता नहीं चल रहा है। इसीलिए बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाया और कहा कि मेरे बेटे के साथ इस तरह का हरकत ना करा जाए, क्योंकि पंजाब पुलिस मेरे बेटे को परेशान कर रही है। अब इसी बीच बताया जाता है पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस को फटकार लगाई है, और अब बताया जाता है पंजाब पुलिस को ये सबूत देना होगा कि वो लोग लॉरेंस बिश्नोई को पिछले 2.5-3 महीने से क्यों रखे हुए हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई जो कि क्यों मुश्किल में है और आखिरकार उनके पिताजी क्यों गुस्से में है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखना। अपराध और अपराधियों से हमेशा दूरी बनाकर रखना। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री महाकाल। दोस्तों मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ।